अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गिनती जारी है, परंतु जो सीटें अभी तक जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं उससे साफ तौर पे झारखंड की जनता ने हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत दी है। सबसे पहले तो मैं झारखंड के लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हमारे गठबंधन में दिया है वो विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे, और जो हमने वादे झारखंड के आवाज़ को बुलंद करने की बातें की हैं उस कार्य के 5 साल तक हम उस पर कार्य अवश्य करेंगे। मैं इस मौके पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमेश्वर उरांव जी को भी बधाई देता हूँ, सिर्फ अपनी सीट जीतने के लिए नहीं परंतु जिस तरह उन्होंने संगठन को कम समय में मिलाकर हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, बाकी हमारे जो हृदय से धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस के वर्करों को पूरे झारखंड में जो विधानसभाओं में जिन्होंने काम किया, इस गठबंधन को सफल बनाया और गठबंधन के उम्मीदवारों को सफल बनाया। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और जिस लगन मेहनत और पसीने से उसने दिन रात काम किए हैं मैं समझता हूँ उनको भी धन्यवाद देना ज़रूरी है। मैं हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके नेतृत्व में ये महागठबंधन ने काम किया, और उनके कुशल नेतृत्व से ये महागठबंधन आज जिस मुकाम पे पहुँची है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आरजेडी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी जो आप मीडिया के लोग हैं, बड़ी मेहनत आपकी भी बहुत भाग दौड़ रहती है, तो जितने हमारे मीडिया के लोग यहाँ उपस्थित हैं, इलेक्शन एक बहुत भाग दौड़ का समय आप लोग के लिए रहता है, इसलिए आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि 65 पार। उस समय इलेक्शन शुरुआत होने के समय, क्योंकि मैं जो पूरे झारखंड में घूमा उस समय मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 65 पार छोड़िए 25 पार नहीं करेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साफ तरीके से जो रुझान जनता का देखा, तो और साफ तौर पे अगर आज अभी तक जो परिणाम आए हैं 25 पार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। मुझे इसमें भी बड़ी खुशी है कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन के समय में छोड़ के दूसरे पार्टियों से चुनाव लड़े हैं उनको भी जनता ने एक मुँह तोड़ जवाब दिया है, और कांग्रेस जिसको नेता बनाती है कार्यकर्ता ही के दम में लोग नेता बनते हैं, और जितने लोगों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इलेक्शन के ज़माने में कांग्रेस को छोड़कर दूसरे पार्टियों में गए उनको भी सबक सिखाने का काम कांग्रेस के झारखंड की जनता ने दिखाया है। एक बार फिर मैं कांग्रेस के और झारखंड के वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो और एक बार है कि 19 साल में पहले बार कांग्रेस ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, इसके लिए जितना मैं सबसे ज़्यादा सीट 19 सालों में जब से प्रांत बना है कांग्रेस पार्टी जीती है, इसके लिए मैं फिर से जो काम हमारे कांग्रेस के वर्कर्स ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया, और गांव में रहने वाले जो लोगों ने दिन रात काम किया, हमारे ब्लॉक के लोग हों, हमारे यूथ के लोग हों, हमारे महिला कांग्रेस के लोग हों, NSUI के लोग हों, जित सेवा दल के लोग हों, सब ने मिलकर, वो बुज़ुर्ग हो नौजवान हो, सब ने मिलकर इस जीत को सुनिश्चित किया है, और विश्वास दिलवाता हूँ झारखंड वासियों की मान और सम्मान तो रहेगी परंतु भले सरकार बन जाए कांग्रेस के वर्करों का भी मान और सम्मान अवश्य रहेगा। कोई सवाल अगर आपसे है मैं देखिए, पदों के लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई कभी नहीं लड़ी है। अब जब सरकार बनने की बातें होंगी हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा, हम इस वक्त अपने शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हैं राहुल जी को, जहाँ जहाँ और जब जब बुलाया गया और जितने कम समय में भी बोला गया वो उपस्थित होके उन्होंने
एक विस्तृत दौरा पूरे झारखंड का किया। प्रियंका जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन पे हम सब काम किए। और विशेष तौर से मैं भाई उमंग सिंगार जी और मैनुल साहब जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने भी अपना सारा अपना प्रांत छोड़कर यहाँ जो उन्होंने काम किया उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे इलेक्शन के जो कोऑर्डिनेटर हैं अजय शर्मा जी, घर बार छोड़ के आप सब लोगों ने वर्कर के जैसे, यही कांग्रेस की खासियत है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी उच्च पद पर पहुँच जाए पर जब इलेक्शन आता है वो वर्कर जैसे काम करता है, और यही मोटो कांग्रेस पार्टी का रहा है। और कोई सवाल हो सकता है? कुछ नहीं बताया कि देखिए, मैंने आपको पहले कहा उचित समय पे उचित बातें मैं करता हूँ। जब कैबिनेट फॉर्मेशन होगा फिर आपके बीच में बातें रखूँगा। आप मेरे से गठबंधन की बातें पूछते रहे, मैंने बोला उचित समय आपका आपको जानकारी दूंगा और उचित समय दिया। अब सरकार जब बनेगी उचित समय पर भी इन सब का जवाब मैं अवश्य नहीं। इसमें हमारे NRC में क्या स्टैंड है, पूरे देश ने देखा है कि हमारा जवाब इसमें क्या स्टैंड रहा है। तो देश का जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, क्या झारखंड में वो स्टैंड नहीं रहेगा? हाँ, हम जब मिलेंगे तो आपको जरूर सूचित करेंगे। सर, इसमें कई चीज़ें हैं, हेमंत सोरेन जी से बात करके इसमें हम आपको समय बताएंगे। नहीं, देखिए जो मुद्दे झारखंड के हैं वही मुद्दे देश के, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान का उत्पीड़न, छोटे दुकानदार, मंदी जिस तरह की देश में हुई है, ये सब जो सवाल हैं ये सिर्फ झारखंड के मुद्दे नहीं हैं पर पूरे देश के मुद्दे। अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को उस पर विचार ही नहीं करती। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, मंदी हो, बेरोजगारी हो, वो भ्रष्टाचार हो, वो जो CNT SPT इतना बड़ा एक मुद्दा झारखंड में था उस पर खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया, तो मैं समझता हूँ ये जो बड़े मुद्दे हैं और देश के मुद्दे हैं, वो झारखंड के मुद्दे हों, देश के मुद्दे हों, जब तक भारतीय जनता पार्टी इस पर काम नहीं करेगी, इसी तरह जिन जिन इलेक्शन में जाएगी जनता अब उनको करारा हार अवश्य देगी। देखिए व्यक्तिगत तौर पे वो कहाँ गए, झारखंड में उन्हीं को फेस बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को। मैं जब उनका दौरा होने से शुरू उनके दौरा शुरू होने से पहले भी मैंने बयान दिया था कि जब जब प्रधानमंत्री जी भाषण देने आते हैं या गृह मंत्री जी भाषण देने आते हैं तो साफ तौर पे वो ध्यान जो समस्याएं प्रांत की हैं या देश की है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और यहाँ भी उन्होंने किया, अब उन्होंने तमाम 370 और राम मंदिर और इन सब चीज़ों पे चर्चा की, और राम मंदिर तक तो उन्होंने ऐसे बयान दिए लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में उसमें कोई हाथ ही नहीं था। अफसोस की बात है मुद्दे जो होते हैं उस पर कभी बात नहीं करते हैं परंतु ध्यान भटकाने का काम करते हैं। झारखंड में भी उन्होंने पूरा प्रयास किया कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए, और जो इतने उच्च पदों पर बैठते हैं मुझे अफसोस है कि उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़ा। दुखद है देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने इस इलेक्शन में किया, मैं समझता हूँ उस उच्च पदों पर बैठे लोगों को उन शब्दों का प्रयोग अवश्य नहीं करना चाहिए। अब देखिए सर, बिहार का चुनाव आएगा, मुझे लगता है संकेत झारखंड से एक हवा बिहार में जाएगी और वहाँ भी हमारे गठबंधन को फायदा हो। देखिए हमने उनका समर्थन, हमारे वहाँ प्रत्याशी लड़ रहे थे और साफ तौर से कर रहे थे,
गठबंधन कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी में से था, इंडिपेंडेंस की बात करने की क्या जरूरत। धन्यवाद।